एक ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, जब भी मैं कोई इनका घोटाला खोलता हूं मेरे ऊपर मुकदमा लिख देते हैं। बाबा जी ने 21 मुकदमा किया, मेरे ऊपर 21 मुकदमा, और राष्ट्रद्रोह का मुकदमा अलग लगा दिया, 21 मुकदमा लगाया, पार्टी का दफ्तर बंद करा दिया, घर पे पुलिस वालों को भेज दिया, बोले संजय सिंह कहां है उसको पकड़ना है। मैं दूसरे दिन विधानसभा के अंदर पहुंच गया, मैंने कहा बाबा जी मैं यहां हूं, मुझे पकड़ के दिखाओ, करो अंदर, मुझे जेल में डालो। क्या बेच रहे हो? रेल बेच रही है सरकार, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बेच रही है, सेल बेच रही है, कोल इंडिया बेच रही है, बीपीसीएल बेच रही है, LIC बेच रही है, सड़क बेच रही है, बिजली बेच रही है, पानी बेच रही है, स्टेडियम बेच रही है, FCI बेच रही है, और तो और पूरा हिंदुस्तान बेचने में ये सरकार लगी हुई है। ये देश बेचने वालों की सरकार है। मैंने सदन के अंदर कहा था, मोदी जी जो अपने बाप दादा की संपत्ति को बढ़ाते हैं वो सपूत कहलाते हैं, जो बाप दादा की संपत्ति को बेचते हैं वो कपूत कहलाते हैं। ये कपूत सरकार हिंदुस्तान में चल रही है। केजरीवाल जी आते हैं वो क्या कहते हैं, भाइयों और बहनों स्कूल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अस्पताल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, फ्री बिजली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, नौजवानों के लिए रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी आते हैं, योगी बाबा आते हैं तो क्या कहते हैं, गांव गांव में शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कहते हैं कि नहीं कहते। इतनी बड़ी मनहूस पार्टी है, गांव गांव में शमशान बना रही, हमें शमशान नहीं चाहिए, हमें अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल चाहिए जिसमें नमक रोटी नहीं अच्छे खाने दिए गए। इस हिंदुस्तान की खूबसूरती को जो मिटाने की कोशिश करेगा, हमारे सेकुलरिज्म, हमारी धर्मनिरपेक्षता को जो मिटाने की कोशिश करेगा, उन सब से मैं कहना चाहता हूं, ये मुल्क बाबा साहब के संविधान से चलेगा, किसी योगी और मोदी के फरमान से नहीं चलेगा। पिछले दिनों उनका सच आपके सामने रखा, वो सच क्या था, चंदा चोरी कर रहे थे। मैंने वो खुलासा किया 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर अयोध्या में भाजपा के लोगों ने 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी। किससे खरीदी? सुल्तान अंसारी से, सुल्तान अंसारी से। मैंने भाजपाइयों से कहा किससे जमीन खरीदी, बोले राम भक्त है सुल्तान अंसारी। मैंने कहा सुल्तान अंसारी देश का सबसे लकी और भाग्यशाली मुसलमान है जिसके पक्ष में RSS BJP सारे बोल रहे हैं। माल कमाना था, 5 मिनट में 16.5 करोड़ रुपए। ये चंदा चोरी का जब मैंने खुलासा किया, कानपुर वालों ने बैनर लगा दिया, चंदा चोरों से सावधान, भाजपा ही पहुंच के फाड़ने लगे। कानपुर वालों ने कहा भैया इसमें तुम्हारा नाम तो लिखा नहीं, बोले हमें पता है किसके लिए लिखा है। तो जो वादा हम करते हैं, हम जुमला नहीं बोलते, हम भारतीय जुमला पार्टी नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल की वादा पूरा करने वाली पार्टी है। केजरीवाल की पहली गारंटी, सरकार बनने के बाद 300 यूनिट बिजली फ्री की जाएगी और पुराने बिजली के बिल के बकाया माफ किए जाएंगे। अगर होली के त्योहार के पहले सरकार बन गई तो मैं हिंदू मुसलमान दोनों भाइयों से कहना चाहता हूं, अपने घर का बिजली का बिल लेकर जाना और उसी होलिका में उसको जला देना, पुराने बिजली का बिल बकाया। सब कुछ फ्री कर रहा है, ये राशन भी फ्री, बिजली भी फ्री, पानी भी फ्री, ये कैसे सब कुछ फ्री? मैंने कहा मोदी जी चलो शुरू करते हैं, योगी जी आइए मिलकर शुरू करते हैं, सबसे पहले प्रधानमंत्री की फ्री बिजली बंद करो। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री की बिजली बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आइए मिलकर योगी आदित्यनाथ की फ्री बिजली बंद करते हैं। मैं सांसद हूं, लेकिन मैं भी कह रहा हूं 5000 यूनिट महीने का फ्री बिजली मिलता है हमको, बंद करो वो फ्री बिजली। मंत्रियों की फ्री बिजली बंद करो, विधायकों की फ्री बिजली बंद करो, राष्ट्रपति की फ्री बिजली बंद करो। अगर उनकी फ्री बिजली बंद नहीं कर सकते तो गरीब जनता को 300 यूनिट बिजली फ्री दो, ये उनका पैसा है जिससे तुम फ्री बिजली ले। ये पैसा किसका है भाई? बाबा जी जो हेलीकॉप्टर में गड़गड़ाते हैं, किसका पैसा है? किसका पैसा है? आपका पैसा है। तुम्हारी मनहूस पार्टी ने गांव गांव में शमशान बनाने की ऐसी बात कही कि कोरोना की महामारी में गांव गांव में शमशान बन गया, शमशान बन गया। ऐसे मनहूस लोगों को उत्तर प्रदेश की सत्ता से हमें हटाना है। मेरे दोस्तों, आज इस गुर्बत के शहर रामपुर में चंद कारोबार है, उन चंद कारोबारों के ऊपर आज की तारीख में आजम खान के परिवार का कब्जा है। यूनिवर्सिटी का कारोबार उनका है, स्कूलों का कारोबार उनका है, रिलायंस का पेट्रोल पंप जो मोंडा पांडे पर है उसके मालिक आजम खान है, एक पेट्रोल पंप जौहर यूनिवर्सिटी के बिल्कुल बराबर में है उसके मालिक आजम खान है, एक टायर की एजेंसी राधा पिक्चर हॉल के पास है उसके मालिक आजम खान है, एक हम सफर के नाम से 2000 बीघे में रिजोर्ट आजम खान का है, शिवी पिक्चर हॉल के पीछे यूसुफ गार्डन में प्लॉटिंग का कारोबार आजम खान का है, गांधी समाधि से जो नई सड़क निकली है वहां पर 400 बीघे में प्लॉटिंग का कारोबार आजम खान का है, एक बहुत बड़ी दूध की डेयरी भी आजम खान ने खोली है जहां पे वो 200 से 250 भैंसे पालने का काम करते हैं। वर्ष की 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियां, मदरसा आलिया से लेकर यतीम खाने तक आजम खान के परिवार के नाम पर अलॉट है, जौहर ट्रस्ट के नाम पर अलॉट है, और अब तो पिलिंग मशीन और प्लाईवुड फैक्ट्री का लाइसेंस भी उनकी बीबी ने और उनके बड़े बेटे ने अप्लाई किया, लकड़ी का काम भी वही करना चाहते हैं, टायर भी वही बेचेंगे, प्लॉटिंग का काम भी वही करेंगे, शादी घर भी वही चलाएंगे, पेट्रोल पंप भी वही चलाएंगे, वक्त की संपत्तियां भी उन्हीं को चाहिए, दूध की डेयरी भी वही चलाएंगे। आज रामपुर के एमपी आजम खान है, उनकी बीबी विधायक है, उनका बेटा विधायक है, उनके दोस्त नसीर खान विधायक है, उनकी पार्टी की आदमी रामपुर से चेयरमैन है, और उन्हीं की पार्टी का आदमी घनश्याम सिंह लोधी जिनका नाम है वो एमएलसी की कुर्सी पर है, सारी कुर्सियां सारे कारोबार तो आजम खान के पास है। रामपुर वालों के पास क्या है जो 40 साल से उनको वोट देकर बड़ी बड़ी कुर्सियों पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं?